हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष गुप्ता। स्वागत है आपका संस्थान दसी जीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल दसी जीपीएससी कोच में। पिछले वीडियो में टेस्ट सीरीज की बात मैंने कही थी, साथ में ये भी आप लोगों को बताया था कि सहायक प्रयोगशाला जिसकी आगामी परीक्षा जो है 28 जुलाई को होने वाली है, को लेकर के कुछ वीडियोज हम आपसे को आपको शेयर करेंगे। तो इसमें 40 प्रश्न 40 नंबर के फिजिक्स से आने हैं, तो आज से हम इस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सभी वीडियोस को जो अभी रोज एक एक वीडियो अपलोड होंगे उसको पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा हर जगह शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा। कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए और वीडियो को देखने के साथ साथ पूरा नोट्स भी बनाते जाइए, और उसके बाद भी कहीं पे कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइए, अगले वीडियोज में हम आपके डाउट्स क्लियर कर दिया करेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स को लेकर के इकाई एवं मापन। ध्यान रखें, अभी साइंस में जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे तो हम आपको इस तरह से पढ़ाने वाले हैं कि वो आपका सहायक प्रयोगशाला के साथ साथ व्यापम की सभी परीक्षाओं में और आने वाले सीजीपीएससी प्री और मेंस की भी परीक्षाओं में बिल्कुल जो सिलेबस में है जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपके काम आएंगी। तो इकाई एवं मापन से हम प्रारंभ करते हैं। इकाई एवं मापन आपके प्रयोगशाला के सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, पर भौतिकी का प्रारंभिक चरण होता है। तो भौतिकी क्या है? तो विज्ञान की यह ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं, और भौतिकी विषय में सबसे पहले होता है भौतिक राशियां। क्या होता है? भौतिक राशियां, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है? तो वो सभी राशियां जिसका मापन संभव है भौतिक राशियां कहलाती है, वो सभी राशियां जिसका मापन संभव है भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिएगा, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है आधारभूत भौतिक राशि। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला प्रकार है आधारभूत भौतिक राशि। तो आधारभूत भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशियां हैं? वे भौतिक राशियां जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं एवं स्वतंत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट है, नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है एवं स्वतंत्र है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो सभी भौतिक राशियां आधारभूत या मूलभूत या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वो भौतिक राशियां हैं जिनका निर्माण आधारभूत भौतिक राशियों से हुआ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हुआ है, वो कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है भाई, तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दो प्रकार ये होते हैं भौतिक राशियां, वो राशियां जिसका मापन संभव है भौतिक राशियां कहलाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, आधारभूत भौतिक राशि जो प्राकृतिक रूप से एवं स्वतंत्र रूप से है वो आधारभूत भौतिक राशि है। इसके कुल जो प्रकार हैं वो 7 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। इसके ऊपर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहां पर जो इकाई एवं मापन शब्द का मैंने प्रयोग किया है, तो इसमें जो सबसे पहला पोर्शन है इकाई, जिसको हम यूनिट के नाम से जानते हैं, तो आइए इकाई के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमको जानना होगा यूनिट या इकाई क्या है। तो यूनिट या इकाई मतलब क्या है? जब मापन की बात हम करते हैं तो एक जो निश्चित मात्रा है, जो आइडियल क्वांटिटी है, जो एक निश्चित मात्रा है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसको मापन करके फिक्स कर लिया गया है, वो क्या है? यूनिट है। जैसे कि मैं बात करूं, एक उदाहरण स्वरूप मैं लेता हूं कि मीटर जो है एक यूनिट है। क्या? मीटर जो है एक यूनिट है। किसका यूनिट है? तो मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। अब आप और हम सभी जब भी हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो ये इतने मीटर का है, 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 5 मीटर से लेकर के इस तरह से हम लंबाई मापते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, 1 मीटर वाली स्केल निकालेगा और उसके बाद जितने मीटर चाहिए उतना मल्टीप्लाई करके उतनी लेंथ की वस्तु, उतने लेंथ का कपड़ा हमको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो यूनिट क्या है? तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी तरह के मापन में प्रयोग करने के लिए। जैसे कि रुपया, तो रुपया में 100 पैसे होते हैं। 100 रुपए में मतलब कि आपके क्या बोला जी, 100 रुपए के एक नोट में एक एक रुपए के 100 सिक्के होते हैं। तो 1 रुपया हमारे लिए क्या है? एक तरह का यूनिट है पैसे के मापन के लिए। ठीक है भाई, तो ये जो यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट भी या इकाई भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आधारभूत और एक होता है व्युत्पन्न।
ठीक है भाई, आधारभूत और व्युत्पन्न। तो आधारभूत मतलब वही कि जो आधारभूत भौतिक राशियां हैं उसका जो इकाई है वो क्या कहलाता है, आधारभूत आधारभूत इकाई कहलाता है या फिर फंडामेंटल यूनिट कहलाता है, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उसका जो इकाई है वो डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। अब यहां पर बहुत अच्छे से ये समझना होगा कि आपको एक बहुत बेसिक चीज मैं बताता हूं, दो विशेष सब्जेक्ट हैं, एक है मैथमेटिक्स और एक है फिजिक्स, तो इनके बीच मूलभूत अंतर क्या है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू है 25, इसका मतलब हमको पता है कि ये 25 वैल्यू है, 25 है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिजिक्स में जब बात 25 की होती है तो सिर्फ 25 फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमको ये जानना आवश्यक है कि ये फिजिक्स में 25 क्या है, मतलब कि ये 25 केजी है। जैसे कि मैं द्रव्यमान के परिपेक्ष में बात करूं कि ये 25 केजी है या 25 ग्राम है या 25 क्विंटल है, तो इसके आधार पर हम अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे हमको पता चलता है या दुकानदार बताता है कि इसमें 25 किलो चावल है, तो हमको पता है कि मेरा शरीर 25 किलो चावल उठाने में सक्षम है, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस बोरे को मैं स्वयं उठा लूं। लेकिन यदि दुकानदार बताता है कि इसमें 75 केजी चावल है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं 75 केजी अकेले नहीं उठा सकता, तो मैं निश्चित तौर पर अपने किसी मित्र की सहायता लेने का प्रयास करूंगा। मतलब कि विषय को और उसके अनुपालन को, उसके सिद्धांत को समझने में सहायता करता है यह इकाई, मतलब कि भौतिकी को स्पष्ट करने में सहायता करता है यह इकाई। तो जब भी बात प्रस्तुतिकरण की आती है, प्रेजेंटेशन की आती है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है 25 केजी या यहां पे मैंने लिखा 10 मीटर, आ रही बात समझ में, तो यहां पर ऐसा है कि इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 है ये है परिमाण, जिसको इंग्लिश में हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मीटर क्या है, इकाई, ठीक है। तो फिजिक्स में जब किसी भी भौतिक राशि को हम दर्शाते हैं तो हमको इकाई के साथ साथ परिमाण या परिमाण के साथ साथ इकाई आवश्यक होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर 25 क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और इकाई क्या है, केजी। अब केजी किसकी इकाई है, किसका यूनिट है, तो ये द्रव्यमान का मात्रक है, किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। तो इस तरह से अब सबसे पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम जो आधारभूत भौतिक राशियां हैं या जो फंडामेंटल यूनिट है उसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आधारभूत जो भौतिक राशियां हैं कितने हैं, तो आधारभूत भौतिक राशियां हैं हमारे पास 7। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा जैसे कि जब मापन की बात आती है तो अलग अलग देशों में, जैसे कि भारत में रुपयों को, मनी को रुपये से नापा जाता है, तो अमेरिका में रुपये को क्या डॉलर से नापा जाता है ना भाई, तो ये डिफरेंसेस होते हैं यहां पर थोड़े थोड़े। तो मापन की बात करें तो क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में 3-4 मापन की पद्धतियां बहुत प्रसिद्ध रही, जैसे कि एक है CGS पद्धति, एक है MKS पद्धति, और एक है FPS पद्धति, और विभिन्न पद्धतियों का एकीकरण करते हुए, उसको मिलाते हुए अंतरराष्ट्रीय पद्धति को बनाया गया, निर्मित किया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो जैसे कि जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं 7 मैंने बात की, उस 7 में भी 3 सबसे पहले है, एक है लंबाई लेंथ, दूसरा है द्रव्यमान मास, और तीसरा है समय सेकंड, ठीक है भाई। तो जो सात फंडामेंटल यूनिट है हमारे, तो उसमें से ये 3 हैं प्रमुख। तो CGS सिस्टम में लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर से, किसे मापा जाता है, सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम से, किसे मापा जाता है, किलोग्राम से, ठीक है भाई। और समय को मापा जाता है सेकंड से, और वैसे ही MKS सिस्टम में लंबाई को मापा जाता है मीटर से, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम से CGS की तरह, ठीक है, और समय को मापा जाता है सेकंड से CGS की तरह। वैसे ही FPS में लंबाई को मापा जाता है फुट से, कि द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड से, और समय को मापा जाता है सेकंड से। अब SI की बात करें तो मैंने जैसा कि पहले बताया, सारी चीजों को मिक्स करते हुए जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहा, कंसिस्टेबल रहा, उसको क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शामिल किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लंबाई का मात्रक है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, और समय का मात्रक है सेकंड।
तो अभी इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो विभिन्न पद्धतियों की बात हुई, चार विभिन्न पद्धतियां हैं, तो उन पद्धतियों में इन सारी चीजों की बात है। अब इसमें मैं आपको लिखूं कि आधारभूत भौतिक राशियां, क्या लिखूं, आधारभूत भौतिक राशियां। तो आधारभूत भौतिक राशियों के ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो आधारभूत भौतिक राशियां टोटल सात है, एक है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय, चौथा है ज्योति तीव्रता, पांचवा है विद्युत धारा और छठवां है इसमें पदार्थ की मात्रा और सातवां है ताप। इस तरह से कुल सात भौतिक राशियां हैं हमारे पास, ठीक है, जो आधारभूत भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है। तो आइए उसको मैं पहले नोट करवाऊं आपको और उसके बाद हम विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सात आधारभूत भौतिक राशियां कौन कौन सी है? तो आधारभूत भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आधारभूत भौतिक राशियां, ठीक है। सबसे पहले दूरी का मात्रक है आधारभूत में लंबाई, लंबाई। द्रव्यमान का मात्रक है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, ठीक है भाई। पहला, दूसरा, तीसरा समय, समय का मात्रक है सेकंड, ठीक है भाई। चौथा, चौथा है ताप, ताप का मात्रक है केल्विन। पांचवा, पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ठीक है भाई। छठवा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ठीक है। और सातवां, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, क्या है इसका मात्रक, मोल। इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ये तो मात्रक का प्रोनाउंसिएशन है, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, निरूपित किया जाता है। दूरी का मात्रक है मीटर, ठीक है, दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक है मीटर, इसको हम लंबाई कहेंगे, लंबाई का मात्रक है मीटर, ठीक है भाई। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो यहां पर इसको लिखा जाएगा जैसे एम से, इसको केजी से, इसको एस से, एस लिखा जाता है, केल्विन के लिए कैपिटल के का प्रयोग करते हैं, एम्पियर के लिए कैपिटल ए या फिर स्मॉल में ए एम पी का प्रयोग करते हैं, कैंडेला के लिए कैपिटल सी और स्मॉल डी का प्रयोग करते हैं, और मोल के लिए एम ओ एल तीनों स्मॉल में प्रयोग करते हैं। ये इसका प्रेजेंटेशन साइन है, ये सात आधारभूत भौतिक राशियां हैं, और इसके बाद होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो जितनी भी अन्य भौतिक राशियां हैं ये सात आधारभूत भौतिक राशियों से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इकाई एवं मापन का ये मेरा पहला वीडियो है, और थोड़ी ही देर बाद इसका जो दूसरा वीडियो है वो भी मैं आपके पास अपलोड करता हूं। आने वाला जो दूसरा वीडियो है उसमें इन सभी की परिभाषाओं को प्रदर्शित करते हुए व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मामले में मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको पसंद आता है तो लाइक करें, मोटिवेट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो भी है इसमें आप कमेंट्स करके हमको फीडबैक्स बताएं। थैंक यू वेरी मच।